तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में जो कि है जयपुर ट्रिप का पार्ट नंबर 2। पिछला पार्ट आपने देखा ही होगा, तो आपको ले चलते हैं अब आमेर के किले पे। सो गाइस पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट में। आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट जयपुर में कैसा कुछ है। आमेर यहाँ पे खड़ी है तोबे दोनों साइड, और ये आमेर फोर्ट। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ का। सुबह जी है सिंह द्वार, सुबह 8 बजे खुलेगा। तो सामने एक लोकेशन थी वहाँ 9:30 बजेगा। ये कुछ यहाँ दरवाजे की सच्चाई इसकी, सिंह द्वार दरवाजा है ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं। इन यहाँ पे आज भी एलिफेंट राइड चलती है। यहाँ पे एलिफेंट आते हैं राजा को लेके के और वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एलिफेंट। आज भी चलती है सुबह सुबह 7 से 11। सामने जयगढ़ फोर्ट और वहाँ पे सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। और जब ये तोप पहली बार परीक्षण हुआ, जब चलाई गई थी, तो वो जाके गाँव है यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर चाकसू, तोप का गोला वहाँ जाके गिरा था और वहाँ बन गया तालाब जहाँ वो गोला गिरा था। उसके बाद से इस तोप को चलाया नहीं गया है, कभी भी नहीं चलाया। उसको एक ही बार चलाया था उसको, जो कि 35-40 किलोमीटर दूर जाके गोला गिरा था उसका, जयगढ़ फोर्ट जो कि सामने आप देख रहे हैं। पहाड़ों पे है सुरक्षा दीवार जो कि 12 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ये सुरक्षा दीवार है सेफ्टी के लिए। सो गाइस ये है दीवाने आम, जहाँ पे राजा की यहाँ सभा होती थी, आम लोग बैठते थे आके। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है दीवाने आम। ये जो ऑरेंज कलर के जो ये पत्थर देख रहे हैं और ये वाइट वाले, ये हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मुगलों को करते हैं, इसलिए इसका नाम दीवाने आम है। जो कि दीवाने आम एक मुगल टाइप का जो शब्द है, उस वजह से इसका दीवाने आम नाम है। जो ये दोनों उसी टाइप के पत्थर लगाए हुए हैं, वाइट और रेड। यहाँ लगा हुआ है स्नान घर का। ये 400 साल पुराना गीजर है, ये कैसे वर्क करेगा? अंदर नीचे लकड़ी जलाएंगे और पानी का टैंक अंदर बना है, पानी अंदर गर्म होगा, लकड़ी बाहर जलाएंगे। इसका जो भी पॉल्यूशन होगा वो इधर से निकल जाएगा और पानी अंदर गर्म होगा। जो आप देख रहे हो वायर अभी लगा रहे हैं, यहाँ पे 24 अगस्त को G20 जो सम्मेलन में बैठे चल रही है ना अभी, उनका ये वो कर रहे हैं, तैयारी चल रही है अभी। यहाँ G20 का सम्मेलन होगा 24 तारीख को, 24 तारीख को यहाँ उसकी तैयारियाँ चल रही है, उस दिन ये पेरिस बन रहे हैं। और ये गीजर के अंदर का हिस्सा कुछ ऐसा है, जो ये यहाँ पे लेफ्ट में पाइप लगा है, यहाँ से ऊपर जो टंकी बनी थी पानी इसमें आता है, फिर इसमें नीचे आ जाता है, यहाँ पे होता है, फिर गर्म हो जाता है और यहाँ से इस लाइनिंग से चलता है सीधा इनके बाथटब की तरफ, जो राजा महाराजाओं के बाथटब बने थे। ये है बाथटब जो कि उनका स्विमिंग पूल था उस टाइम का, और यहाँ पर वे नहाते थे। इसमें पानी स्टॉक हो जाता था गर्म वाला के, जो यहाँ पर ये पाइप लगा, ये आप देख रहे हैं ये पाइप, यहाँ से आता था उनका पानी। पाइप तो क्या ही, उस टाइम की नालियाँ बनी हुई थी, लेकिन अब इनको पाइप में चेंज कर दिया गया है दिखाने के लिए। अब चलते हैं आगे। बाथरूम को बढ़ेगा। और जो ये आप कलर देख रहे हैं, ये डिज़ाइन, ये हरी सब्जियों से बनाया जाता है। यहाँ पे एक गांव है, वो आज भी इस कलर को बनाता है, जो कि परमानेंट रहता है। ये सबसे बड़ा शीश महल आपने आगरा में देखा होगा, दिल्ली में भी देखा, उनमें सबसे बड़ा शीश महल यही है। जो सामने वाली जो डिज़ाइन है ना, ये वाली डिज़ाइन ब्लैक और वाइट वाली, ये वाली डिज़ाइन आपको आगरा के ताजमहल में देखने को लिए मिल जाएगी। लेकिन ऐसे कहते हैं आगरा के जो ताजमहल जिन्होंने बनाए ना, उनके तो हाथ काट दिए गए, तो फिर ये डिज़ाइन यहाँ पर कैसे बनी? ऐसे कहते हैं सबसे पहले आगरा के ताजमहल से पहले ये बना,
उसके बाद आगरा का ताजमहल बना, तभी ये डिजाइन यहाँ पे हो सकती है। इस वजह से फर्स्ट था ना उस समय बन के तैयार हो चुका था, लेकिन इसलिए से बोलते हैं जयसिंह फर्स्ट ने बनाया। तो दोस्तों देखो ये जो अंदर दिख रहा है आपको शीश महल है, ये सर्दियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें जब सर्दी होती है ना तो यहाँ पे एक दीपक जला दिया जाता है, सो इसमें सारे अंदर कांच ही कांच है। इस वजह से ना जो भी रिफ्लेक्टर इसका बनता है कांच पे वो दूसरे पे पड़ता है, उसका प्रतिबिंब दूसरे पे पड़ता है, फिर ये अंदर से गर्म हो जाता है, बिल्कुल बाहर लगा दी जाती इस पर पर्दे, तो सर्दियों में ये बिल्कुल गर्म रहता है। हीट लेने के लिए बनाया गया था ताकि सर्दी ना लगे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये जितने भी कांच हैं, जैसे कि बोलते हैं कहावत है कि दिन में तारे देखना, अगर हम मोबाइल से टॉर्च जलाते हैं तो इस पे ये देखे आप रिफ्लेक्टर इसका, तो ये दिख रहे देखो तारे दिख रहे, बिल्कुल चमक रहे बिल्कुल तारे के जैसे, इसे बोलते हैं दिन में तारे देखना। ये देखे आप दिन में तारे कितने अच्छे लग रहे हैं, दिन में भी बिल्कुल छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं, इसमें शीशे इतने लगा रखे। तो चलो आपको दिखाते हैं एक सुरंग, काफ़ी लंबी सुरंग बना रखी है कि यहाँ महल में, और ये सुरंग नहीं है एक्चुअली, ये उस टाइम की आने जाने का रास्ता था जहाँ से रानियों को पालके में बैठा के लेके जाया जाता था, और यहाँ ऊपर बना रखी है झाकी, जो कि रानियाँ ऊपर जाके उस झाकी में से देखती थी जब राजा युद्ध करने जाते थे, फिर उसके बाद युद्ध करके आते थे तो वहाँ से फूल बरसाए जाते थे, यहाँ से ऊपर बना रखा है एक, वो दिखाते हैं अब आपको आगे चल के, और देखते रहिए वीडियो को, आप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये महल से ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं, और ये मुग़ल गार्डन बोलते हैं इसको, जो ये गार्डन है यहाँ पे मुग़ल गार्डन, उसी टाइम का बनाया हुआ गार्डन है ये, लेकिन इसको कंटिन्यू देख रेख कर रहे हैं, और अब आपको ले कर चलते हैं यहाँ से नीचे। सो दोस्तों आपने जो वो रास्ता देखा था जहाँ से रानियाँ पालकी में बैठा के लेके जाई जाती थी, लेके आई जाती थी, तो वो व्हीलचेयर जिसको बोलते वो रखी, ये यही वो व्हीलचेयर है उस टाइम की जिस पे रानियों को बैठा के ले जाया जाता था ऊपर और बैठा के नीचे लाया जाता था। तो चलो अब दिखाते हैं आपको उस टाइम का कूलर, ये देखे आप ये है उस टाइम का कूलर, यहाँ जो आप ये रैंप सा देख रहे हैं यहाँ से पीछे से पानी आता था, और जो ये जो छेद से बने हुए ने जाली इनमें से आती थी हवा, पीछे लगा देते थे इसके पीछे घास लगा देते थे उस टाइम में, घास खस खस घास जो आती थी, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं जो यहाँ से जो सीधी आ रही है नाली, ये गवर्नमेंट ने लगाए शीशे तो बाद में, पहले शीशे नहीं थे, और यहाँ डलता है चार रूपों में रानी का झूला, और यहाँ पर रानी झूला झूलती थी और वहाँ से आती थी ठंडी हवा, और इस नाली से जो पानी आता था वो सीधा चला जाता था गार्डन में, जिससे पानी भी वेस्ट ना हो। अब आप देखे चंदन से बना हुआ दरवाज़ा, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें जो वाइट वाइट ये लगे हुए हाथी के दांत का किया हुआ वर्क है, जो हाथी के दांत से बनाए गए थे ये। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं बारादरी, और जो जो धा मूवी बनी थी उसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जो तलवारबाजी हुई थी उस मूवी में, वो इस बारादरी पैलेस में हुई थी। ये राजा मान सिंह का पैलेस है, यहाँ पे राजा मान सिंह रहते थे पहले, और यहाँ पे जो कि आपको एक दिशा में तीन दरवाजे दिख रहे हैं तो चार दिशा हो गई, तो तीन चौक 12 रानियाँ उसकी यहीं पर रहती थी, और वहाँ से नीचे आने के लिए उसने अपने 12 रानियों के 12 जो महल बना रखे हैं, इनके जो इनके कमरे थे 12, सबके रास्ते अलग अलग बना रखे हैं। सो गाइज ये है वो रास्ते जो ऊपर से नीचे आते थे सीधा रानियों के महल में, ये रास्ते बना रखे हैं, अलग अलग हैं सबके रास्ते, यहाँ से ये देख के आप। Thank you.
तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये है आमेर किले के प्रेजेंट में जो राजा हैं उनकी फोटो है ये। तो ये है उस टाइम का लॉकर जो कि रानियां अपने गहने वगैरह इसमें रखती थी। काफ़ी हैवी है ये लॉकर, उसी टाइम का बना हुआ लॉकर है ये। ये देखे आप, ये है सुरंग उस टाइम की जो कि इस किले से सीधी आमेर किले से सीधी जयगढ़ के किले में निकलती है और ये 4 बजे बंद हो जाती है, इस वजह से इस पर लॉक लगा हुआ है। ये रास्ता है वहाँ आमेर से जयगढ़ जाने के लिए। ये देखे आप सुरंग का बोर्ड। जो द अकबर मूवी में जो ऐश्वर्या राय खाना बना रही थी वो ये कढ़ाई है और ये बाद में बनाई है, ये पहले की नहीं है। और इसको मूवी कंप्लीट होने के बाद यहीं छोड़ दिया कि ऐसे लगे कि ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये मूवी की टाइम की कढ़ाई है। एक और है ये यहाँ पे, और यहाँ पे लगता था मीना बाज़ार जो कि आजकल दिल्ली में भी लगता है, काफ़ी जगह पे लगता है, क्योंकि उस टाइम जहाँ ये उस टाइम जो मीना बाज़ार लगता था तो रानियों को यहीं से शॉपिंग करनी होती थी क्योंकि वे बाहर नहीं जा सकती थी। और अब जब से ये गवर्नमेंट के अंडर में आया है तो उन्होंने ये मीना बाज़ार यहाँ से हटा दिया और गांव में जो बगल में इसके जो गांव है वहाँ शिफ्ट कर दिया है मीना बाज़ार। अगर कोई भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करनी हो तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये है मटका। उस टाइम राजा महाराजा जब भी युद्ध पे जाते थे तो वो युद्ध पे जाते तो इसको साथ लेके जाते थे क्योंकि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता था, तो इसमें काफ़ी सारा पानी आ जाता था, इसलिए ये मटका उसी टाइम का है जो यहाँ रखा हुआ है। आमेर किले से नीचे जा रहे हैं और गवर्नमेंट जीप हमको ड्रॉप करके आ रही है नीचे, यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी हुई होती है। अब गाड़ी से जा रहे हैं नीचे, चल दिए अब आमेर से, अब चलते हैं जल महल की तरफ, नाइट व्यू देखते हैं वहाँ का, काफ़ी अच्छा रहता है। सुना है कि काफ़ी अच्छा नाइट व्यू है वहाँ का जल महल का, तो आप देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और जो भाई दोस्त चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ये आ गए हैं जल महल के पास और ये लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पे। और ये लेफ्ट में है जल महल जो कि पानी के बीच में है, गाड़ी खड़ी करने की जगह देखते फिर अंदर चल के देखते। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ पर, यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग, ये लाइटिंग कर रखी काफ़ी ज़्यादा। और वो देखे आप जल महल, सो हम पहुँच चुके हैं जल महल आमेर फोर्ट से निकल के। और ये देखे आप जल महल जो कि पूरा पानी में है, तभी इसका नाम जल महल रख रखा है। ये देखे काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे भी। सो गाइस ले लिया है रूम जयपुर सिटी में और ये अपने रूम का टूर और खजान लगा हुआ है अंदर, अपने बाल सेट कर रहा है और पहलवान पड़ा है यहाँ नीचे बेड पे। काफ़ी वैसे तो ठीक है, काम चला हुआ है, एक बेड एक्स्ट्रा लग जाएगा सोएंगे तब। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, कमेंट करके बताना क्या कुछ अच्छा लगा, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।